ममता बनर्जी पर भड़की निर्भया की मां, बोली स्थिति संभालने में नाकाम रही बंगाल की सीएम, इस्तीफा देना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में देश भर में आंदोलन जारी है। इस बीच 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले की पीड़िता निर्भया की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। निर्भया की मां ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद स्थिति को संभालने में नाकाम साबित हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए निर्भया की मां आशा देवी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विरोध प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सीएम बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली की थी जिसमें दुष्कर्म मामले के दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की गई थी। आशा देवी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के बजाय ममता बनर्जी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद एक महिला हैं, उन्हें राज्य के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वे स्थिति को संभालने में नाकाम रही हैं। आशा देवी ने आगे कहा कि जब तक केंद्र और राज्य सरकारें दुष्कर्मियों के लिए कोर्ट से जल्द सजा दिलाने के प्रति गंभीर नहीं होंगी, तब तक देश भर में हर दिन ऐसी क्रूरताएं होती रहेंगी। ममता बनर्जी पर भड़की निर्भया की मां, बोली स्थिति संभालने में नाकाम रही बंगाल की सीएम, इस्तीफा देना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में देश भर में आंदोलन जारी है। इस बीच 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले की पीड़िता निर्भया की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। निर्भया की मां ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक देनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। हत्या के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद स्थिति को संभालने में नाकाम साबित हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए निर्भया की मां आशा देवी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विरोध प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सीएम बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली की थी जिसमें दुष्कर्म मामले के दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की गई थी। आशा देवी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के बजाय ममता बनर्जी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद एक महिला हैं, उन्हें राज्य के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वे स्थिति को संभालने में नाकाम रही हैं। आशा देवी ने आगे कहा कि जब तक केंद्र और राज्य सरकारें दुष्कर्मियों के लिए कोर्ट से जल्द सजा दिलाने के प्रति गंभीर नहीं होंगी, तब तक देश भर में हर दिन ऐसी क्रूरताएं होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जब कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में लड़कियां सुरक्षित नहीं है और उनके साथ ऐसी बर्बरता की जाती है, तो देश में महिला सुरक्षा की स्थिति को समझा जा सकता है।